कैमरा कितने का है भैया? हाँ हाँ तो वहीं छोड़ूंगा ना वहाँ, ये 15 मिनट के लिए फिर। ओ भाई लेट हो गए हैं तो करके ले जा रहे हैं। चल भाई कि इस गाड़ी में मोटो ब्लॉगिंग मत की बात है वो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं अजय को स्टेशन छोड़ने, क्योंकि अजय का आज मैच है। तो उसने बोला भाई कि मैं कल जाऊंगा, अकेले चला जाऊंगा गाड़ी लेके, पर मैं बोला कि यार मैं छोड़ दूंगा, तभी चलते उसको फटाफट छोड़ते हैं। आगे आओगे यहाँ पे 80 फीट पे, तो वहाँ से लेंगे डॉक्टर रानी कमलावती, चलेंगे छोड़ेंगे। और अब मैं सोचा था सुबह ठंड नहीं होती होगी, पर ठंड है। और उधर सामने तो ना सूरज देव तो बहुत प्यारे निकले हैं, वो अभी दिख नहीं रहे क्या कॉलोनी का कारण, ना कॉलोनी बन गई इसके कारण दिख नहीं रहे हैं। चल के अभी दिखाता हूँ भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें सुबह सुबह। और आज अच्छा वो उसने जगा दिया तो मैं सुबह आ गया, पर ठंड है भाई, हाथ में ग्लव्स पहनना भूल गया हूँ, ग्लव्स पहनना भूल गया हूँ तो ठंड बहुत तेज लग रही है। ऐसा लग रहा है क्या बताएं। अभी देखते हैं अजय कहाँ तक आ गया है, मैंने तो उसको फोन करके बोला है भाई बाहर आ जा, आया कि नहीं आया देख लेते हैं, नहीं तो उसके घर के तरफ जाना पड़ेगा ना मेरी जान। वो देखो सामने सूरज देवता, ओ भाई क्या है, क्या व्यू देख लिया यार आज, देख रहे हो क्या व्यू देख लिया। बताओ सुबह सुबह आके बस यही चीज देखने को मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। अभी चल रहे हैं अपन अजय के इधर, अजय कहाँ है पता नहीं, उसके इधर ही गाड़ी डाल दे क्या लेते हैं। अगर आधे रास्ते में आ गया हो अच्छी बात, क्या हो सकती है। ठीक ये लो भैया, और साला गाली लगे क्योंकि 20 मिनट लग गए यार फ्रेशर सोने में। ये आ रहा देख रहे हो, ये आ चुका है, अब इसको यहाँ से लेते हैं। ज़्यादा लेट हो गए हैं, ज़्यादा लेट, चलो बैठो। हाँ हाँ, तपन हो सके 15 वाली में तो नहीं पहुँचेंगे, चलना किधर साइड है, एक नंबर दो नंबर साची साइड। ठीक ठीक है भाई, आसिमा आ चुके हैं, यहाँ सीधे ये वाली रोड पकड़ना है होशंगाबाद और डायरेक्ट निकल जाना है, एकदम सीधे सीधे जाना है, कहीं मुड़ना कहीं कुछ नहीं होना है। ठीक है पहले यहाँ से दाने से तो मुड़ना पड़ेगा, बाकी आगे से कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है, एकदम सीधे जाएंगे फटाफट 10-15 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक है एक दिन मैंने कुलदीप को पहुँचाया था 12 मिनट पे, इसको देखता हूँ कब तक पहुँचा देता हूँ। और ये पापा के परिया सुबह सुबह देखो मिला, कौन सा डे मना रहे पता नहीं है। अभी हाईवे पे आ चुके हैं, अभी हम दानिश नगर पहुँच गए बाक्समनिया, उसके बाद हम इस बार ब्रिज से नहीं जाएंगे स्टेशन छोड़ने, क्योंकि ब्रिज से जाना नहीं है, नीचे नीचे जाना है। तो आज आप लोगों को नीचे नीचे वाली जगह दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जाना है जहाँ सांची डेयरी है ना उस साइड, और सांची डेयरी जिसको नहीं पता तभी मेरे वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा किस जगह है, तभी चलते हैं। ठीक है, और सुबह सुबह देखो पुलिस वाले खड़े, क्योंकि इधर से रॉन्ग साइड से आते हैं लोग इस चक्कर में, तो उनका वेट कर रहे हैं आए और उनको पकड़े। सुबह चेकिंग क्योंकि नहीं चलती, और आज भाई ठंड भी ज़्यादा, पहले मुझे लगा ठंड नहीं होगी पर है ठंड काफ़ी है, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत तेज लग रहा तो मुझे पता चल रहा है भाई ठंड तो है ना मेरी जान। ये देखो कहीं से भी गाड़ी घुसे अड़ रहे अंकल, अभी ये सामने थाना है बाक्सोनिया, चल लेते हैं अभी। तो देखो ये सवारकर सेतु ब्रिज है और हमें जाना है यहाँ से, हम नीचे से ही चल रहे हैं और सूरज की रोशनी हाथ में कितनी प्यारी आ रही है, तो अभी चलते हैं। ये पेट्रोल पंप से तुम्हें याद होगा पेट्रोल डलाया था, यही पेट्रोल पंप वाला था तो पूछ सकता भैया कैमरा वैमरा कितने का है, यही वाला था, और बोलता है कि इस गाड़ी में मोटो ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो। तुमने वाला कर लेंगे धीरे धीरे, कोई काम धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। ठीक है तभी चलते हैं। देखो ब्रिज, अब ब्रिज के नीचे नीचे मत जाना है, ब्रिज के नीचे नहीं मतलब ब्रिज के सीधे में हाथ जोड़ के, कार इंडिकेटर तेरी कहाँ जाएगी। और ये यहाँ भोपाल है ना तो रेड बस से बच के रहना, क्योंकि रेड बस वाले ना बड़ी गंदी चलाते हैं, इनसे बच के ही रहना। ये देखो कितना तेज मोड़ रहा है ये भाई, ये लो भैया देख रहे हो रोडों बस खड़ी हो रही है। तभी हम पहुँचने वाले नाका, और नाके में चलती है चेकिंग मतलब अभी नहीं 10 के बाद, दिखाता हूँ किस जगह चलती है। ठीक है मिश्रा टाइम कितना बचा है, टाइम नहीं ये वाली ट्रेन के लिए जो 15 मिनट बचा था लेट हो गई। चलो ये है नाका, यहाँ चलती चेकिंग। हाँ चल बढ़िया, तो देखा इसकी इसकी ट्रेन लेट होती जा रही होती जा रही होती जा रही, तो बोला अच्छा भाई हो जाए इससे जाकर 10 मिनट के अंदर पहुंच गए ना अपन, 10 मिनट के अंदर, चलो 9 मिनट में पहुंच गए, फिर 10 मान ही लो 10 पहुंच गए, इसको अंदर तक छोड़ के आएंगे।
एक गाड़ी की पर्ची कटाएंगे, पर्ची कटाऊंगा, देखो आप लोगों को दिखाऊंगा कि पर्ची कटती है 15 मिनट के लिए फ्री रहती है। तो 15 मिनट अगर मैं वहाँ खड़ा भी रहूँगा ना तो मेरा पैसा नहीं लेगा। 15 मिनट के बाद भी जो भी मिनट होगा, अगर 1-2 मिनट ऊपर होगा तो उसमें नहीं लगता, जैसे 5-10-20 मिनट होगा ना तब तो लगेगा ही। और ये देखो तिरंगा कितना प्यारा है यहाँ पे। और चलो वहाँ छोड़ देता हूँ ना, क्यों टिकट लेते हुए तो अभी तो वहीं छोड़ूंगा ना वहाँ पे। साले टिकट वहाँ से लेना, टिकट अभी तेरे को वहाँ मेन गेट पे छोड़ूंगा। मेन गेट यही है? अरे तो वहाँ गेट पे छोड़ूंगा ना, हाँ वहाँ से डालूंगा। टिकट लेते ही जाएगा ना। नहीं नहीं ये लो, ये रानी कमलापति आ चुके हैं। ठीक, ये कितने सो रहे, एक ही बैठा है ना। हाँ चलो एक ही बैठा है, 8 को तो लगता नहीं, हमारा ही लगेगा। और सूरज देवते की रोशनी देखो कहाँ से पड़े, कितना तेज आ रही है। रुक जाओ ना, इसको पर्ची दे दे, अभी 15 मिनट के लिए फिर ये भाई पर्ची देगा हमें। चलो अपनी भी निकाल दे रहा है, ये लो पर्ची ले लिया। नहीं नहीं पर्ची देंगे वो तब भी, हाँ 15 मिनट के लिए फ्री देती है ना। ये लो भैया आ चुके हैं रानी का मतलब स्टेशन, और हेलमेट में ओस बहुत जम रही है, इसको छोड़ते हैं, उसके बाद निकलेंगे डायरेक्ट हम घर जाएंगे या कहीं और जाऊंगा देखता हूँ। ठीक है ठीक है, और ये सूरज देवता सामने। चल भाई जाओ, अगर रात में कितने तक आ जाएगा? 6-7 तक। अगर गाड़ी होगी एक बार फोन लगा लेना, गाड़ी होगी तो मैं आ जाऊंगा फिर, है ना। ठीक चल भाई, हाँ तो ये लो इसको छोड़ दिए हैं, अब हम भी निकल लेते हैं। ठीक है पर्ची हाथ पे ले रहता हूँ ना, ये देखो पर्ची है, ये 15 मिनट के लिए फ्री पर्ची है। तो चलो भैया, हाँ हाँ तो अब फटाफट निकल लेते हैं। भैया पूछे थे गोप्रो मिला, यस ब्रो यस। तो चलो अब यहाँ से बाहर जाना है, सोच रहा हूँ घर जाऊँ या कहीं और जाऊँ, देख लेते अभी जो भी जैसा होता है आगे खड़े को सोचेंगे। ठीक है ये घर जाना है या कहीं और जाना है। ये लो भैया 15 मिनट फ्री है, यहाँ से अपन निकलते हैं। रॉन्ग शर्ट तो डालेंगे नहीं, यहाँ से डालना पड़ेगा ना, यहाँ से। तो यहाँ से आगे जाओगे तो एमपी नगर आ जाएगा, एमपी नगर लेक भी कुछ इधर से भी जा सकते हो, ब्रिज से भी जा सकते हो। बस आ रहे भैया, बस से बच के रहने का नहीं, बस तुमको उड़ा देगा, समझाना मेरी जान, बस से तेज नहीं चलने का। घर ही चले क्या? रुको आगे खड़े को देखते हैं कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है। ये लो भाई, ये लो टूटी हुई गाड़ी लेके आ रहा। मेरा कैमरा अपने आप ही बंद हो गया था, पता नहीं क्यों हो गया था, पर हो गया था। अभी वापस से रिकॉर्डिंग चालू होगी, देखता हूँ लाल बत्ती जल रही नहीं जल रही है, अभी देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चालू भी नहीं चालू है। ठीक है चलो यहाँ रुक के सागर को लगा लेते हैं फोन, ब्राइटनेस कम है, ब्राइटनेस कम कैसे हो सकती है, बाकी नंबर मत देखो तुम लोग। ठीक है साले बहुत हरामी हो सागर भाई जी, पहले जियो चिल्लाने भाई, चार दिन या पांच दिन पहले चिल्लाने लगती है भाई, अब क्या कर सकते हैं जियो का। देखते हैं फोन उठाता कि नहीं उठाता, बोला तो है तुमने, देख रहे हो इसलिए सबूत के लिए उसको फोन लगा रहा हूँ। ये लो नहीं उठाया, लगा के काट कूट के रख दिया, और फोन देखो कितना सेक्सी लग रहा है, लग रहा है ना। और फटाफट इधर से भी बस इधर राम भगवान की फोटो बनवानी है, वो बन जा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। यहाँ से भी कहाँ जाऊँ, घर ही जाऊँ कि और कहीं जाऊँ, अभी घर चलते हैं, बाकी शाम को देखेंगे, क्योंकि ठंड लग रही है अभी बहुत ज़्यादा तेज। ठीक है इसलिए चलते हैं ना मेरी जान। ये ब्रिज पे आ चुके हैं, ब्रिज पे देखो पेंटिंग कितनी प्यारी बनी हुई है, ये जितने भी ब्रिज है ना इनमें पेंटिंग बहुत प्यारी बनी रहती है। तो यहाँ से गाड़ी मोड़ते हैं ऊपर चलते हैं। ठीक है ऊपर तो अपन को उस साइड जाना पड़ेगा, इस साइड से नहीं उस साइड से, तो वहाँ से डायरेक्ट मोड़ देंगे, वहीं से ऊपर डाल देंगे। हमने पहले सोचा था कि नहीं जाएं, पर हम सोचे यार थोड़ा खड़े हो जाते हैं यार घर से निकले तो, आज इतने देर थोड़ा हेलमेट उतार के ना सूरज देवता का वो रोशनी अपने ऊपर कैप्चर करवा लेते हैं। तो यहाँ से अपन को जाना है सीधे ऊपर, और अभी व्यू कैसा आ रहा मुझे नहीं पता, क्योंकि जितनी रोशनी होती ना हमारा गोप्रो उतना प्यारा व्यू देता है, तभी देख लेते हैं।
और हाँ, अभी लेक व्यू में ई साइकिल आ गई है, मतलब इलेक्ट्रिक वाली साइकिल जिसको चला के बैठते नहीं थे जो मुंबई में थी, तो यहाँ भी आ चुकी है। तो अब हम हो सके किसी दिन आप लोगों को उसका व्लॉग्स मिलने वाला है बहुत जल्द, तभी कितना जल्द मिलने वाला हो तो पता नहीं, पर मिलेगा। ठीक है, उधर लोग बैठे हैं, उधर तो अपन जाएंगे नहीं, आगे निकल जाएंगे थोड़ा सा, अगर वहाँ कोई नहीं होगा तो वहाँ रुक जाएंगे, अगर कोई होगा तो फिर ऐसे ही आ जाएंगे वापस। समझ रहे हो? समझ रहे हो फिर नहीं समझ रहे हो तो इस रोड के आप उस पार जाने तो मुझे यहाँ से पूरा नीचे घूम के जाना पड़ेगा, तो नीचे घूम के जाएं या 10 नंबर साइड से आ जाएं, क्या करें तुम बताओ? मैं तो कहता हूँ नीचे घूम लेते हैं, कि उतना ही पड़ेगा, ये उधर जितना इधर जाएंगे, ये इधर जितना इधर जाएंगे। तो चलो अब नहीं रुक रहे, लोग वाक खड़े हैं ना, तो भाई कितनी देर रोशनी आ रही है। और सुबह सुबह ना बाजार में ऐसी ओस जमती है भाई, ऐसी ओस जमती है कि तुमको क्या बताएं साला, बताने लायक ही नहीं रहा है। तो हर कोई बंदा देखो गोप्रो में तो देखता ही है, गोप्रो लगाने का यही फायदा है कि हर बंदा तुमको देखेगा भैया, हर बंदा जो नहीं देखता होगा वो भी देखेगा। तो अपन चल रहे इधर सीधे अभी, ठीक है, सीधे मुड़ मार के आ जाएंगे, देखते कहाँ तक जाते हैं। यहाँ भगवान जी की मंदिर है, यहाँ थोड़ा सा मत्था टेक देंगे, ऐसे ही गाड़ी से चलते चलते रुकेंगे तो नहीं, गाड़ी से चलते चलते कि जय भगवान जी रक्षा करना, शनिदेव हैं, जय शनिदेव रक्षा करना, यहाँ हनुमान जी हैं, भगवान जी रक्षा करना। चलो भैया सुबह से भगवान के दर्शन, सूरज देवता के दर्शन। और ये है जो ना, ये माता जी की मंदिर है, ये देखो ये सामने, ये भाई अंदर से बहुत प्यारी। हम गए हैं एक दिन, हम और मिस्र आए थे तो पानी गिर रहा था, हम अंदर गए थे भाई, मजा आ गया था। और इधर देख लो अभी मेट्रो काम चालू है, अब देखते हैं कब तक हो जाएगी, कब तक हम भोपाल में मेट्रो चढ़ लेंगे। मैं भी पहली बार तो चढ़ चुका हूँ क्योंकि पुणे में, अब भोपाल में देखते हैं कब तक चढ़ लेंगे। जल्दी भगवान की दोस्त, जल्दी जल्दी काम हो जाए, जल्दी जल्दी चढ़ लेंगे। और इधर रानी कमलावती में नाम स्टेशन भी बन रहा है, ये जो हम गए थे उधर ये उसका फ्रंट साइड है, और जिधर हम आजक छोड़ने गए थे वो उसका बैक साइड था। तो ऐसी ऐसी चीज है, देख लो। आहा, सर्दी हो गई साला। बाकी ये व्यू, यहाँ से व्यू ना भाई बहुत प्यारा व्यू आता है, गजब का। इससे पूरा बन जाएगा ना, तुम सोचो पूरा बन जाएगा, ये सब चीज हट जाएगा, ये जो लगा है बनाने के लिए सब चीज हट जाएगा, कितना प्यारा लगेगा यार यहाँ से। जन्नत जन्नत भोपाल भी कुछ दिनों में जन्नत, तो और महंगा तो हद से ज्यादा होने वाले हैं, जमीन वमीन सब हद से ज्यादा महंगी होंगी, वो जल्दी ही देख लो। ये देखो यहाँ बन रहा है मेट्रो स्टेशन यहाँ पे, इससे अच्छा हमें आना, एक एम्स के पास बनेगा, एक इधर बन रहा है, तो हमें मतलब कि एम्स वाले में चढ़ना होगा, क्योंकि हमें एम्स वाला पास पड़ेगा। ये कौन सी कार है भैया, नैनो है, तो हमें एम्स से चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ मेट्रो स्टेशन भाई, यहाँ देखो जगह इतनी कम जगह बना रहे ना, वो बनाएंगे ना इतना प्यारा भाई, उसी को 4-5 मंजिल कर देते हैं, कहाँ से मजा आ जाता है। जैसे मैं पुणे में गया था ना, दिखता तो छोटा था पर उसी को 4-5 मंजिल में कर दिए थे। ओ भाई रेड बस वाले भैया यहाँ का खड़े किए हैं। अरे काम ना मेट्रो के चालू होते हैं नाइट से, नाइट में मतलब डबल काम चालू होते हैं, दिन में मतलब हल्के फुल्के होते रहते हैं, जैसा कि लोग जा रहे हैं तो जा भी सके, उनको जाने में प्रॉब्लम ना हो, बाकी नाइट में भारी काम चालू होते हैं भाई, जो बड़े बड़े काम रहते हैं मेन पूरे नाइट में चालू होते हैं। चलिए लो अभी आ चुके हैं अपन DB के पास, समझ लो DB मॉल, ये सामने ही था DB मॉल, पर DB मॉल ना ब्रिज बनने के कारण पूरा छुप गया। जैसे ये देखो यहाँ सारे लाइन से बैंक है, तुम्हें जो भी बैंक चाहिए इस लाइन पे है। और मुझे आज MP नगर आना था, पर सुबह आया हूँ कोई सर्विस सेंटर खुला नहीं है, तो काम नहीं भाई, क्योंकि संतोष भैया को मुझे ईयरबड्स चेंज करानी थी, तो अभी तो नहीं हो पाएगा। यहाँ लगता है मेट्रो बन ही भी गया, यहाँ से रास्ता बंद है, ऐसा क्यों लग रहा, बंद है खुला है पता नहीं क्या है। मेरा चालान तो ऐसे भी आ चुका है तो इसलिए आगे जाना नहीं है, बंद है भाई, बंद है तो आगे तो नहीं जाएंगे। देखो ये DB मॉल है, यहाँ से रास्ता बंद है, और यहाँ से हम रिटर्न भी यहीं से जा सकते हैं, ठीक है, 84 डाल देंगे रिटर्न। बाकी इधर अपना चला जाएगा लेक व्यू साइड, जाएगा न्यू मार्केट लेक व्यू, ठीक है, तभी चलते हैं। ये अंकल बहुत तेजी घूर रहे हैं हमें, कोई ना तो फटाफट चलते हैं, रास्ता बंद है, रास्ता खुलेगा तब बताऊँ कब, जैसे कि 9 या 10 बज जाएंगे ना तब ये खुल जाएगा। तो एक पुलिस वाले अंकल खड़े हैं, दुनिया के बाद उसे निकाल के ले चलते हैं, ठीक है। चलो ये भैया हमें बार बार देख रहे हैं, ये लो भैया, अच्छा बस चलान ना आए, क्योंकि आज हेलमेट पहना हूँ, कोई क्रॉसिंग भी नहीं तोड़ी है मैंने, न ट्रैफिक नियम का रूल तोड़ा है, चलान ना आए बस,
भाई क्या भाई यार गंदा है लग रहा है यार, मैंने तो साफ नहीं किया था लाते समय, इसीलिए बार बार ओस जमता ना। मेन इस जगह में ना बहुत तेज, अगर धूप उप लग जाती है ना तो इस जगह में बहुत तेज आती है। तो अभी अपने यहाँ से निकल चुके हैं, अब तुम्हें जो भी खाने चाहिए, चाय पानी जो भी चाहिए अंदर मिल जाएगा स्टेशन के अंदर। और स्टेशन के जो ऊपर साइड है ना भाई, ऊपर साइड इतना प्यारा बना दिया, जैसे लग रहा है जैसे अपने एयरपोर्ट में जाते हैं ना, सेम इस पे बना चुके। मतलब है कि ना इंडिया का नंबर वन स्टेशन यही होने वाला है मेरे हिसाब से, रानी कमलापति ही। पहले इसका नाम दूसरा था, इसका नाम हबीबगंज था, फिर उसका नाम रानी कमलापति। कहाँ से घुसेड़ रहा भैया, इसका नाम रानी कमलापति पड़ चुका है। और यहाँ से देखा अभी एग्जिट हो रही है, क्योंकि बना नहीं ना पूरा, वो जब से बंसल के हाथ में आया ना, बंसल ने पूरा चमका दिया है भाई। सोचो बंसल की कोई लड़की हो और अपन से पड़ जाए कितना अच्छा होगा, समझ रहे। सॉरी मजाक कर रहा था, किस्मत की बात है वो। मजाक नहीं, किस्मत की बात है। अरे ट्रक वाला काहे सीधे आ रहा भाई, अपनी जगह पे लो ना, काहे अलग अलग चलते हो। और ये सूरज देवता, सूरज देवता जैसे रोशनी पड़ती है तो एकदम गर्मी फील होती है, और गर्मी आ चुकी है। देखो दिन में ऐसा होता है, दिन में खूब गर्मी रहती है, रात में ठंड रहती है, पता नहीं जिंदगी में चल क्या रहा है, भगवान करना क्या चाहते हैं। पर कोई ना भगवान जी, तुम जो करोगे हम वो मानेंगे। देखो दो हीरो, हीरो आलोम, समझ रहे हो विनोद, ऐसे नहीं देख रहे हो विनोद, विनोद देख रहे हो। हेलमेट और ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, हर चीज़ का पालन करेंगे। यहाँ भी चेकिंग होती है दोपहर में, एक चीज़ बता दो, हेलमेट पहन के आना 12 के बाद तक यहाँ भी चेकिंग होने लगती है। और हाँ, मैं बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक स्कूटी का रिव्यू देने वाला हूँ, वो आप लोग हमारी वीडियो में कुछ दिनों में ही देखने वाले हैं। क्योंकि जो सचिन के यहाँ है उसी को मैं एक येलो कलर की मैं एक चलाया भी था, तो उसका थोड़ा बहुत ही दिया था, मतलब कि फ़ोन से शूट किया था, वो उतना सही नहीं आया। पर अभी गोप्रो शूट करेंगे, देखते हैं कैसी आती है गाड़ी, पूरी आ पाती नहीं आती, गाड़ी बहुत छोटी है ना, तो गाड़ी आ पाएगी नहीं आ पाएगी अभी मुझे नहीं पता, पर रिव्यू तो तुम्हारा भाई देगा। और कुछ दिनों में हो सके ओला का भी देने वाला, क्योंकि ओला भी एक भैया के पास है, अगर उनसे जुगाड़ हो गई है तो ओला का भी देंगे, अगर नहीं हो पाई है तो देखते हैं अभी, ठीक है। और अभी भैया को चलो अभी निकलते पहले यहाँ से, डाइट मिलते हैं बॉक्स मनिया पे। ये देखो रेड बस, शमन कार डाइट इसके पीछे क्यों चल रही है, फिर मैंने देखा भाई कि ये टो करके ले जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोग भी दिखाओ कि देखो टो होकर जा रही है। फिर मेरे को ऐसा लगा कार डाइट इसके पीछे क्यों चल रही है, अपना साइड लेके आगे क्यों नहीं जा रही है, एकदम धीरे धीरे धीरे। फिर अभी आगे आगे देखा कि भैया की टो हो रही थी कार, इसलिए अभी दौड़ना स्टार्ट करी है, पहले नहीं दौड़ते। तभी हम बॉक्स मनिया पहुँच चुके, व्यू क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। अभी बाग सोने डायरेक्ट घर चलेंगे, ठंड लग रही है, जाके बिस्तर में लेटेंगे और क्लिप निकालेंगे। और क्लिप हो सके ये वाली वीडियो हम रास्ते में ही एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी जाती है, क्योंकि गोप्रो शूट करने में भाई एक ही बार में अगर तुम इधर उधर गए ना तो 20 से 25 मिनट वीडियो शूट हो जाती है। पर उसको मैं कट पिट करके डालने वाला हूँ, कितने मिनट पे, 10 से 15 मिनट में, उससे ज़्यादा नहीं डालूंगा, क्योंकि मना करते हैं लोग बाग की घोड़ा देखो कितना प्यारा, तो मना करते हैं लोग बाग, जिस कारण 10-15 मिनट ज़्यादा नहीं डालूंगा। और ठंड लग रही है, ग्लव अब तो अगर सुबह निकलूंगा ना भाई बिगर ग्लव्स का तो निकलना नहीं, क्योंकि अभी ठंड लग रही है। और एक ग्लव्स भी मंगा रहा हूँ मैं, कि जो अपना ये वाला टाइट रहता है ना, इस पे हो जाता है तैयार, हाथ पे पूरा यहाँ कटोरी टाइप का लगी रहती है, वो वाला मंगा रहा हूँ। ये लो भैया, जान दे भैया रेड बस कहे कर रही है, चलो रेड बस, नीला डब्बा, सभी चीज़ें। बस यहाँ एक चीज़ अच्छा हुआ है कि रोड बनी गई भाई, रोड एकदम चकाचक हो गई है, नहीं तो पहले रोड नहीं बनी थी ना भाई, क्या धचके मिलते थे बता ही नहीं सकता। देखो इस ब्रिज में भी पेंटिंग टंटी बची है, बनी है ना, इसमें लिखा था वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक, तो बोर्ड गया ना, तो मेरी मम्मी मुझसे भरोसा नहीं करती होगी। कहें अभी मम्मी को जाके देखते हैं, मम्मी जगी है कि नहीं जगी है, अगर जग गई तो अच्छी बात है, चाय पियेंगे, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं, और सूरज देवता एकदम इस बार मुंह पे ही आ रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा एंड आगे ना बढ़ाते हैं, इस वीडियो करते हैं पे एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने देखा जिस हिसाब से मेरी मोटो ब्लॉगिंग में व्यूज़ जा रहे हैं ना, तो लोगों को क्या मोटो ब्लॉगिंग ज़्यादा पसंद है, तो मैं अब सोच रहा हूँ ज़्यादातर करके ना मोटो ब्लॉगिंग ही डाला करूँ जितना हो सके। बाकी नॉर्मल ब्लॉगिंग देखो अपनी चलती है, फूड ब्लॉगिंग बहुत कम होती है, बाकी शूज़ के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में कम बताता हूँ। मैं सोचता हूँ शूज़ के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो, शूज़ और कपड़े के बारे में ज़्यादा वीडियो लाऊँ। और साइकिल वाली वीडियो चाहिए तो बताओ, अब मैं सिटी जाने वाला हूँ, सिटी में साइकिल का क्या रेट है सेकेंड हैंड नई का, वो सारी बता दूंगा मैं, अगर चाहिए तो कमेंट करो प्लीज़, है ना, ठीक है। तभी चल लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओ भाई केंद्रीय विद्यालय लग गई है, तो चलो बाय बाय।